नमस्कार और आदाब। सनीचर आज अगस्त की 3 तारीख पेश है 7 दिन की खबरें। प्री बैचलर फास जो है अकादेमी से ले रारन ऑपलेरिंग सुरीनाम आलोस का जो ईओएल के जगह पर आए हैं, इसका पहला इन्फॉर्मासी दाख हो चुका है जहां पर लोगों को जानकारी दी गई है। ये कॉमेसी जो है प्री बैचलर फासे का, इसका जो निर्देशक है यह है रनात दबीस के निर्देशन में ये कॉमेसी है और ये सब हमें जानकारी दिए है कि बहुत से लोगों को दिलचस्पी है इस ऑपलाइडिंग में। लगभग 600 लोग आए थे ये इन्फोदाख के वास्ते। ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी इन लोगों को दी गई है। ये प्रोग्राम के बारे में बताया गया है कैसा ये ऑपलाइडिंग रहेगा। वैसे इस इन्फॉर्मेशन के दौरान, ये इन्फॉर्मेशन सेशन के दौरान रनात दबीस बार बार ये कहे हैं कि इसमें बदलाव आ सकता है। मतलब ये है कि अभी सभी चीज़ें जो है इस ऑपलाइडिंग के प्रति अभी तय नहीं हुआ है। वैसे ये बताया गया है कि ये 1 साल का प्री बैचलर फास आलोस का जो है इसमें 4 लेयर लेन है। वेतनस्खपलक फॉर्मिंग, बरुप्स फॉर्मिंग, अलखमीन फॉर्मिंग और इनलेरिंग फक इनहाउट। डेफिनेटिव प्लान अभी नहीं है, पूरा तौर से तय नहीं हुआ है, तो भी लोग ये ज़रूरी समझा ये इन्फोसेसी करने के लिए, क्योंकि इसका इंस्क्राइबिंग जो है इस ऑपलाइडिंग के वास्ते ये अगस्त महीना में शुरू होगा और ये ऑपलाइडिंग खुद ये नवंबर की 1 तारीख इसी साल से भी शुरुआत होगा। इस ऑपलाइडिंग के वास्ते इंस्क्राइब खाल रहेगा 1250 SRD, 1250 SRD। रियाद नूर मोहम्मद जो फेहापी का पार्लियामेंटारियर है, उन्होंने ये कहते हैं कि हर एक ऑपलाइडिंग जो आएगा जो और बेहतर रहेगा, क्वालिटीज फॉर बेहतरिंग आएगा और जिससे लोगों के तरक्की होगा, इससे वो खुश है और इससे वो सहमत है। लेकिन फिनंसियल यानी पैसा कहाँ से आएगा इस ऑपलाइडिंग के वास्ते, क्योंकि हर एक ऑपलाइडिंग का शुरू करना, हर एक उन्द्रवेस इंस्टीट्यूट को पैसे की ज़रूरी है इसे कायम रखने के लिए। लेकिन मिनिस्ट्री फॉर उन्द्रवेस के बखरौतिंग पर आलोस के लिए पैसा नहीं है, इस पर पैसा बखरौत नहीं हुआ है, तो यह जरूर चिंता करने के बात है। रोसेबेल गोल्ड माइंस पर पिछले एतवार को कुछ दंगे फसाद हुए हैं। वहाँ का बफेल खेम के लोग, पुलिस के लोग और जो वहाँ पर कुछ दूसरे लोग हैं जो सोना वहाँ पर तलाश करते हैं, इलाखाल हाउट सुकर स्पॉट नॉकर्स इन लोगों को कहा जाता है। एक टास्क फोर्स जो है ये सब हथियार बंदूक का इस्तेमाल किए हैं। वहाँ पर जब ये दंगे फसाद शुरू हुए हैं तो लोग गोली चलाया गया है, बंदूक लोग इस्तेमाल किए हैं और इसमें फर्जल आलू बुतू और लियांड्रो पे इन लोगों को गोली लगा है। वैसे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आलू बुतू जो है इसका ये इतना बुरी तरह से घायल हुए, इनका देहांत वहीं पर हो गया था, और लियांड्रो पे जो है इनको पहले वहाँ करीब के पोली क्लिनिक पर लोग ले गए हैं इलाज के लिए और उसके बाद अकादेमी सिकनोस परमारिबो में इनका बाकी का इलाज हुआ है। इलाज करने के बाद इन्हें घर भेज दिया गया है। ये टास्क फोर्स जो है इसमें कॉर्प्स पुलिसी सुरीनाम, नेशनल लेखर और भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डरिंग हाउथ सेक्टर के लोग और इस मल्टीनेशनल के बवाकर्स मौजूद है। ये सब मिलकर काम करते हैं, वहाँ पर लोगों का हिफाजत करते हैं और उस प्लेंट का बवाकिंग वहाँ पर लोग पहरा डालते हैं। ये हादसा जो हुआ है, इस हादसे के बाद कुछ इलाखाल हाउथ सुकर्स जो है, पॉर्ट नॉकर्स जो है, जो लोग वहाँ आसपास में या आई एम गोल्ड के ज़मीन पर लोग वहाँ पर सोना तलाश करते हैं, ये सब काफ़ी गुस्से में आए हैं और काफ़ी नुकसानी किए हैं। एक बस गाड़ी और कुछ सवार मात्री और जो पोस्ट हाउस वहाँ पर था और खानिसात से और दैनिक हाउथ सेक्टर का इसमें लोग आग लगा दिए हैं। इस मामले में खोजबीन हो रहा है। यह खोजबीन जो है अफदेलिंग रिसर्च रेहियो मेदन का आप जारी कर रहे हैं, इनके हवाले किया गया है। मिनिस्टर सुवार्थ खुतराओ यूस्टिसियन पुलिसी का मिनिस्टर जो है इनसे पंचघर में इस मामले के बारे में सवाल किया गया है और उन्होंने बताया है कि वहाँ पर सभी चीज़ अब सुरक्षित है। वैसे ओपन बार मिनिस्टेरी के कहने पर यहाँ पर खोजबीन हो रहा है। ओपन बार मिनिस्टेरी के निर्देशक में ये ख़ास खोजबीन यहाँ पर हो रहा है कि वहाँ पर उस दिन वास्तव में क्या हुआ है।
वैसे ये टास्क फोर्स के बारे में मिनिस्टर यूस्टिसिया पोलिटिका कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। वो कॉरप्स लेरिंग के साथ इस मामले के बारे में बातचीत करेगा। वैसे कॉरप्स से ये तय हुआ है कि वहाँ पर अगर ऐसा कुछ मामला होगा तो लोग बफेलहिंग के वास्ते वहाँ पर पुलिस का मदद मांग सर कर सकते हैं, और ऐसा कुछ उस एतवार को हुआ है। लेकिन अब ये खोजबीन करना चाहिए कि आपस में दूसरे लोग जो वहाँ पर सोना तलाश कर रहे थे ये सब झगड़ा शुरू किए हैं, या ये बदरेफ आई एम गोल्ड के जो वहाँ का बफेलहिंग के लोग हैं इन लोगों के साथ ये झगड़ा शुरू हुआ है। ये लोग आई एम गोल्ड के ज़मीन पर, ये मल्टी नेशनल इसके ज़मीन पर लोग वहाँ से सोना तलाश कर रहे थे, और ये बिल्कुल मना है इस ज़मीन पर आने को दूसरे के वास्ते। वैसे हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मिनिस्टर कहा है कि इस वक्त वो सुरक्षा की गारंटी देते हैं, वहाँ सभी कुछ सुरक्षित है, वहाँ का लोग, आसपास के जनता, कर्मचारी और वहाँ का जो सामान है सभी सुरक्षित है। पुलिस उस जगह पर मौजूद है वहाँ पर पहरा डालने के लिए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फिरजल आलूबुतू जिसका देहांत हुआ है, इसका लाश पुलिस कब्जे में लिया था सेक्सी के वास्ते, ऑब्डक्सी के वास्ते, और उसके बाद अब परिवार को दिया गया है। रोजवेल गोल्ड माइंस जो है और सरकार ये दोनों बातचीत किए हैं और ये फैसला किए हैं कि 2 हफ्ते के अंदर सभी मामला जो वहाँ पर है ये सुलझाकर और लोगों को काम फिर से शुरू करना चाहिए। एक दिल हादसी जो है ये प्रेसिडेंट देसी बाउतशक के कहने पर फिस प्रेसिडेंट अश्विन अधीन के निर्देशक में ये बातचीत कर रहा है। रोजवेल गोल्ड माइन के लेडिंग के साथ बीफे को बातचीत हुआ है, और जहाँ तक पता है तो लोग कोशिश करते हैं आने वाले 2 हफ्ते के अंदर, यानी 2 हफ्ते के अंदर वहाँ पर काम पूरे तौर से शुरुआत करने के वास्ते। ये खौत मातपे में इस बातचीत पर भी मौजूद था मिनिस्टर एनहा का सर्खियो अकीम्बोतो, स्टुअर्ट खतरोसिया पोलिसी का और रोनी बेंसहॉप डिफेंसी का। सरकार ऐलान किए है कि ये गारंटी देते हैं कर्मचारी, जनता और सामान सभी मशीन वहाँ का जो है ये इन लोगों के हिफाजत का गारंटी सरकार ने दिए है। काम जो है रोजवेल गोल्ड माइन पर ये काम जो है पूरा तौर से नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले 2 हफ्ते में लोग पूरा तौर से काम वहाँ चालू करेगा। 4 दिन के बाद, इस हादसे के 4 दिन के बाद, अब खुद आई एम गोल्ड जो है बीफे को एक ऑफिशियल ऐलान किए है, और ये टोरंटो का जो मल्टी नेशनल है, हम आपको बताना चाहते हैं कि इन लोगों को 95% 95% आंदेल है इस गोल्ड रोजवेल गोल्ड माइंस में। और ये हादसा जो हुआ है जिसमें एक इलाहाल खौत मेन वर्कर इसका देहांत हुआ है, आई एम गोल्ड के जो मैनेजमेंट है इन लोगों के तरफ से ये सब कहते हैं कि ये सब बहुत अफसोस करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। जो शिनीस ट्रोलर्स हम पिछले हफ्ता आपको बताए थे कॉर्थ खदिंग, ये सब हार गए हैं। रॉस नेशनल फिशरीज जो मुकदमा कॉर्थ खदिंग चलाए थे सरकार पर, और ये मुकदमा हार गए है। इसका मतलब ये है कि ये 6 जो ट्रोलर्स है शिनीस फैब्रिक्स खैपन जो है, इन लोगों को सुरीनाम के पानी से जाना है। इस मामले में फोनस अभी तक नहीं मिला है। डायरेक्टर कुस्त वक्त का कॉलोनल जेरी स्लेनहार्ट कहते हैं कि इस फोनस का वो इंतज़ार में है, और ये फोनस जब मिल जाएगा तो वो तैयारियां तो शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन जब पेही के तरफ से ये वो इंतज़ार करते हैं कि पेही के कहने पर ये तुरंत कदम उठाया जाएगा इन लोगों को इस देश से और श्रीराम देश के पानी से बाहर करने को। ये फोनस 25 तारीख जुलाई का है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है इनके हाथों में। पुलिस पारा नाम का ये खबर किए है कि वाइट बीच पर 2 बच्चों पर पिरान्यास, यानी पीरिंग लोग कहते हैं, इस पीरिंग के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, 2 बच्चों पर हमला किए हैं, इन लोगों को काट लिए हैं, 1 6 साल का और 1 7 साल का। ये खबर सुनकर पुलिस वहां पर खोजबीन किए हैं, और देसी के साथ वहां बातचीत करने के बाद वहां जो जनता मौजूद था इन लोगों को लोग कहे हैं सावधान रहने के लिए, इन लोगों को चेतावनी दिए है, और ये कहा है वहाँ पर नहीं जाने को। लेकिन तो भी एक ये बात सुनने के बाद एक स्त्री वहाँ पर तैरने के लिए गए थे और ये भी इसका शिकार हुए हैं, ये भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। पुलिस इन लोगों से बता चुके थे कि अगर आप जाएंगे तो आखिर इसी के ऊपर कुछ होगा तो इसका जिम्मेवार आप खुद रहेंगे।
पॉलिटिकल पार्टियां जो है परचाया लुहूर काती पे और पीडीओ ये सब कितने समय से बातचीत कर रहे हैं राष्ट्र फायदा के लिए यानी नेशनल बलंग के लिए ये सब बातचीत कर रहे हैं कैसे एक साथ मिलकर काम करने के लिए पॉलिटिकल जो क्रिसिस है सुरीनाम देश में और दूसरी तरफ की क्रिसिस जो है इसका सामना करने के वास्ते देश में जो है इसका सामना लोग करना चाहते हैं। कातेपी का लीडर जो है वेली सुमिता जो है ये जानकारी हमें दिए है। कातेपी के बस्तूर में इस वक्त बैठक लेते हैं सुमिता के अलावा रुदोल्फ पार्टोरेजो, रॉबी द्राहमान, अनिफ सूत्रोद्रोमो, इवान गंगा, इंग्रिड वाउडन और गेली वोंगसो दिक्रोमो। सोमवार को ये सब बातचीत किए हैं और एकत्र हुए हैं, कुछ फैसले लिया गया है एक साथ मिलकर काम करने को दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ। ये जानकारी हमें मिला है कि लगभग तय हो चुका है कि पीएल काती पीई और पीडीओ ये सब एक साथ मिलकर काम करेंगे और एक साथ हिस्सा लेंगे, ये है फिरकी सिंह के फायदे के लिए 2020 में। 2017 में ये खबर आपको हम दिए थे कि केएफसी का एक मैनेजर, ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट केएफसी जो है इसका मैनेजर मार्जरी विलियम्स का देहांत हुआ, इसका हत्या हुआ है। इस मामले में पुलिस शबीला एयर और शकील बे इन दोनों को गिरफ्तार किए थे। इसमें अब जज ने अपना फैसला सुनाया है, कैद का सजा सुनाया गया है। शबीला एयर के लिए इनको 16 साल का कैद का सजा सुनाया गया है। मार्जरी विलियम्स के हत्या के इसमें हत्या में इसका हाथ था। और ये हम आपको भी बताना चाहते कि इनका साथी जो था शकील बे इनको 2 साल के कैद का सजा सुनाया गया है। विलियम्स जो है मार्जरी विलियम्स जो मैनेजर था इस फास्ट फूड रेस्टोरेंट केएफसी का, ये 20 साल से वहाँ पर काम कर रही थी। बवैस मटेरियल जो है सबूत जो है ये दोनों के खिलाफ जो है शबीला एयर और शकील बे के खिलाफ जो है ये पता चला है, ये लोगों को मिला है कामरा बेल्डन से, ये बवैस मटेरियल मिला है इस फास्ट फूड रेस्टोरेंट के कामरा बेल्डन से। साथ में बयान जो दोनों खुद दिए हैं, आगे में देना अंदरशुक हुआ है और खुतार खफरकलारिंग बयान वहाँ पर लिया गया है वहाँ के मजदूर का। ये पता चला है कि ये सब कई दिनों से प्लानिंग कर रहे थे या फास्ट फूड रेस्टोरेंट के क्लर्क्स में से पैसा चोरी करने के लिए, लेकिन इन लोगों के पास बफेल हिंग्स कोड नहीं था। ये बफेल हिंग्स कोड जो मैनेजर के पास था, लेकिन मैनेजर जो है ये इसे देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इसमें रुकावट आया था। और उस दिन ये सब फिर गए थे वहाँ पर, लेकिन गुस्से में आए क्योंकि ये जानकारी इन लोगों को नहीं मिला है, तो ये मार्जरी विलियम्स का हत्या लोग किए हैं। शबीला एयर को अब 16 साल का कैद का सजा सुनाया गया है, शकील बे को 2 साल का कैद का सजा मिला है, लेकिन ये कैद में ये नहीं गुजारेगा क्योंकि 4 अरेस्ट में 2 साल बीत चुका है, तो ये अब फ्री है और शबीला एयर को अभी यह सजा काटना है जेल में। कोवालिसी और ओपोसिसी मंगर को देना पंचघर में ये सब कॉम्पटाबिलिटाइट्स वेट 209 ये खुद कर किए हैं, ये वेट जो है पास हुआ है। 35 लोग 35 अलखमीन स्टेमन के साथ ये जो वेट है कॉम्पटाबिलिटाइट्स वेट 209 पास हुआ है। इस बात से सभी लोग सहमत थे जो लोग वोट किए हैं, नया वेट जो है जो आए हैं नया कानून जो है इससे और बेहतर तौर से स्टार्स फिनंसियन जो है इस पर लोग नज़र डालने वाले हैं। दयाना लेदन इस बात से सहमत है कि ये नया कानून से देश का पैसा जो है स्टार्स फिनंसियन जो है इस पर और बेहतर तौर से नज़र रखा जाएगा और ये और बेहतर तौर से खर्च होगा। तो ये कॉम्पटाबिलिटाइट्स वेट नया कॉम्पटाबिलिटाइट्स वेट जो है ये 35 अलखमीन स्टेमन के साथ ये पास हुआ है पंचघर में। योहान आदोल्फ पेंगल लुफ्टहाफन पर कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। बिग टीम जो है 18 तारीख जुलाई को 35 साल का शालिजा को गिरफ्तार किए हैं और इनके जो रेस कॉफर के हंत फत में 700 ग्राम कोकाइन मिला है। ये स्त्री जो है शालिजा जो है ये
विदेश जा रहा था और इसको तब खोजबीन पर जब कंट्रोल पर इनके लोग गिरफ्तार किए हैं, इन्हें लोग पुलिस के हवाले किए हैं और ये कोकाइन जो है ये भी नारकोटिका ब्रिगेड के हवाले किया गया है। खोजबीन से यह पता भी चला है कि शलीसा ये कई बार पोस्ट पैकेट भी भेजे हैं विदेश, ये है पोस्ट बिद्रैव इनके ज़रिए। इस पर अब खोजबीन हो रहा है क्या इसमें भी ये नशीली दवा ये ड्रग्स मौजूद था या नहीं। एक और स्त्री है बेटीम, इनको भी गिरफ्तार किए और ये हुआ है जुलाई के 20 तारीख को। ये 56 साल का सेसन फेफ तहियार का सौंदरा आ, इनके रेस कॉफर के हंतफात में भी कोकाइन मिला है। 12 फेफ तख्रम कोकाइन मिला है। ये कोकाइन जो है ये नारकोटिका ब्रिगेड के हवाले किया गया है। सौंदरा जो विदेश जा रहे थे इनको अब पुलिस के हिरासत में रखा गया है। वैसे हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि पंचघर में एक वैट्स वे सहिंग आया है, एक कानून जो है यह बदला गया है। दक्रेट रख्स तुस्तान फॉर 1 juli 1982 uitgegeven gronden, मतलब 1 juli 82 से पहले जो लोगों को ज़मीन मिला है, ये ग्रोंटिटल एरफपाख जो था ये अब नहीं रहेगा। ये ग्रोंटिटल एरफपाख इस ये लागू नहीं रहेगा, अब इसको निकाल कर सिर्फ ग्रोंटहुर के बाद है अब ग्रोंटहुर पर सेलन लोगों को मिलेगा। यह वैसिंग जो है यह बदलाव जो वैद का आए है बीफे के रात को हुआ है पंचघर में और ये 31 स्टेमन के साथ 31 वोट के साथ खुद को हुआ है, यह पंचघर में पास हुआ है। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।